नमस्कार छात्रों, नॉलेज ग्रैस्पर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नदी के द्वीप। यह कविता सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अगय द्वारा लिखी गई है। नदी के द्वीप अगय जी की बहुत चर्चित कविता है। इस कविता में कवि ने एक व्यक्ति की स्थिति समाज में एक द्वीप के समान बताई है। वह समाज को एक नदी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए शुरू करते हैं नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतकूल सब गोलाइयां उसी की गड़ी हैं। कवि कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी द्वारा होता है, उसी प्रकार हमारा जन्म इसी नदी में अर्थात इसी समाज में हुआ है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए। हम ये कभी नहीं चाहते कि नदी हमें कभी छोड़कर चली जाए, क्योंकि इसी से हमारा अस्तित्व है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि समाज उसका बहिष्कार कर दे, क्योंकि उसी से उसका अस्तित्व रहता है। वह हमें आकार देती है। इसी ने हमें आकार, रूप, पहचान सब कुछ प्रदान किया है। अगर नदी हमें छोड़कर चली जाए तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतकूल सब गोलाइयां उसकी गड़ी हैं। अंतरीप का मतलब है द्वीप के किनारे, सैकतकूल यानी रेत के टीले। इसी ने हमें रूप आकार प्रदान किया है। जल में बहने वाले कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर ने एकजुट होकर इस द्वीप को बनाया है। द्वीप के कोण, गलियां, उभार, किनारा सारी गोलाइयां इसी नदी की धारा से बनी हैं। जिस प्रकार समाज द्वारा ही एक व्यक्ति का विकास होता है, उसका व्यक्तित्व, संस्कार सब उसी की देन है, उसी प्रकार द्वीप कहता है कि नदी के कारण ही मैं बना हूँ। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्वनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, रहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। इसमें कवि कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, हम इसी से बने हैं। इसी जो कुछ आज हम हैं वो नदी के द्वारा ही है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो भी है वो एक समाज के द्वारा ही है, किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम इस नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं हैं। हमारा अस्तित्व धारा से अलग है। नदी के द्वीप नदी से उत्पन्न होता है तथा नदी में रहते हुए भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखता है। दूसरी ओर वह बहती हुई धारा है जिसने अपनी सत्ता खत्म करके द्वीप का निर्माण किया है, जो नदी का एक अंग बन गया है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्वनी के। तो द्वीप कहता है, मैं एक जगह पे खड़े खड़े भी मैं समर्पित हूँ अपनी नदी के लिए। मैं सदा से अपनी नदी के लिए एक द्वीप हूँ और द्वीप ही बन के रहना चाहता हूँ। जिस तरह हम समाज में रहकर, एक स्थान पर रहकर भी समाज की उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, उसकी अच्छाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी प्रकार द्वीप भी कहता है कि मैं एक जगह स्थिर हूँ पर मैं फिर भी नदी की भलाई ही चाहता हूँ। किंतु हम बहते नहीं हैं, हम बहना नहीं चाहते, हम बहते नहीं हैं कि हम भी आज पानी की तरह बह जाएं, क्योंकि बहना रेत होना है। अरे अगर मैं बहने लगूंगा तो मैं भी एक रेत की तरह हो जाऊंगा, मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। वो कहता है अगर हम बहने लगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे, जो हमारा अस्तित्व है वो हमारा रहेगा ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्रबलन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। हमारे पैर उखड़ने लगेंगे, हम ढहने लगेंगे, एक एक रेत हमारी अलग हो जाएगी और हम बस सहते ही रह जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते हैं? तो द्वीप कहता है, क्या अभी इतने कष्ट लेने के बाद भी क्या हम धार की तरह बह पाएंगे? क्या हम कभी धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदा ही करेंगे। तो वो कहता है अगर हम रेत बन भी गए तो हम क्या कर लेंगे? हम जो सलिल यानी पानी, हम पानी को गंदा ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
अनुपयोगी ही बनेंगे, हम किसी काम नहीं आ पाएंगे, हम अनुपयोगी ही रहेंगे। गरीब हैं हम, यह नहीं है श्राप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। कवि कहता है कि हम द्वीप हैं, द्वीप होना हमारे लिए कोई श्राप नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, ये तो हमारा भाग्य है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो है, ये हमारा भाग्य। उसी अनुसार जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज हमारा भाग्य है, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम इस समाज में आए हैं। जिस प्रकार द्वीप नदी का पुत्र है और उसकी गोद में बैठा है, नदी द्वीप को विशाल जमीन से मिलती है, वह द्वीप का पूर्वज है। उसी प्रकार व्यक्ति समाज का पुत्र है, वह समाज की गोद में बैठा है। समाज व्यक्ति को परंपराओं से मिलाता है, संस्कारों से मिलाता है, और वह परंपराएं व्यक्ति की पूर्वजों की हैं, जो निरंतर सालों से चलती चली आ रही हैं और व्यक्ति को सभ्य बनाती हैं। धन्यवाद छात्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।